वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक और नए सेशन एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस में। देखिए, दो महीने पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, निफ्टी मेटल्स इंडेक्स 52 वीक हाई का तूफान, हर कोई हैरान क्या करें। और इसके अंदर हमने इस चीज के बारे में एक बहुत विस्तार से चर्चा करी थी कि किस प्रकार से हमारे को लगता है कि ये हमारे पास एक फॉल बननी चाहिए अक्टूबर से नवंबर के बाद, और वहां से फिर 2020 के रिमेनिंग दो महीने के लिए हमारे पास एक अपवर्ड पोजीशन बनती है। टाइम एंड अगेन दिस साइक्लिकल एनालिसिस हैज प्रूव्ड ट्रू। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इस एनालिसिस को एक बार दोबारा से सुने। इट इज ऑन माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं करंट स्थिति क्या है। करंट स्थिति यह है कि निफ्टी मेटल के अंदर 50 डे, 20 डे, 50 डे और 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर आकर प्राइस रेस्ट कर रहा है, और ऐसा पहले भी इसने दो बार किया है। एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर से इसने इस चीज को रिवर्स करा है। सो 100 डे का मूविंग एवरेज निफ्टी मेटल के लिए काफी इंपॉर्टेंट बना है, और अब की बार इसने काफी स्टीप फॉल दिया, और अभी स्टीप फॉल देके ये अप्रोक्सीमेटली 5,563 के आसपास है। सो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि व्हाट आई थिंक इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से मेरे को लगता है कि इसकी जो डाउन साइकिल्स हैं ये लगभग अब नवंबर मिड के अंदर कंप्लीट होने के बाद दिसंबर और जनवरी के लिए मेरे को ये एक हाई की तरफ बढ़ता हुआ लगता है, और मे बी अब की बार जब ये ट्रेंड रिवर्सल आएगा तो ये इस हाई को भी काट सकता है, जो कि इसके पुराने हायर हाई हायर लो बॉटम्स के हिसाब से जो एक्शन बना है। नंबर वन, अगर मैं न्यूरल नेट्स के हिसाब से भी देखता हूं तो भी मेरे को निफ्टी मेटल यहां से चलता हुआ लगता है। आई वुड हाइडली रिकमेंड कि अगर आपके पास पुराना माल है तो आप उसको अभी नहीं बेचिए। एक बार 20 डे मूविंग एवरेज को काटने के बाद प्राइस अगर चलने लग जाता है तो आप एड ऑन कर सकते हैं, और अगर आपके पास निफ्टी मेटल के अंदर माल नहीं है तो आप ले सकते हैं। साइकिल्स मेरे को ज्यादा से ज्यादा और 10 दिन 15 दिन के अंदर मेरे को निफ्टी मेटल पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। सो व्हाट आई बिलीव इज कि वी शुड बी लुकिंग फॉर इट। आई एम निफ्टी मेटल के स्ट्रॉन्ग तीन कॉन्टेस्टेंट्स को देखते हैं। द फर्स्ट नंबर इज टाटा स्टील। ये टाटा स्टील का वीकली चार्ट है, दैट सिंपली मींस वन बार रिप्रेजेंट्स वन वीक। देखिए, टाटा स्टील के अंदर यहां पे पिछली लगभग 7 वीक्स के आसपास ये 20 डे के मूविंग एवरेज पे, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट वीकली चार्ट्स, 1284 के आसपास ये रेस्ट करता है, और यहां से ये ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। सो आई बिलीव कि नवंबर मिड से निफ्टी मेटल के अंदर जो सबसे अच्छी रैली मुझे नजर आती है वो टाटा स्टील के अंदर नजर आती है। सेकंड इज दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ हिंडाल्को। यहां भी मेरे को वीकली चार्ट्स के हिसाब से हिंडाल्को भी मेरे को ऐसा लगता है कि 20 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पर नवंबर मिड से रेस्ट करके वापस चलने की पोजीशन पे आएगा, यानी कि अब जब बाजार रिकवर करेंगे तो स्टील के अंदर हमारे को तेजी देखने के लिए मिल सकती है। एंड दिस इज दी थर्ड मेजर ऑफ निफ्टी मेटल विच इज JSW स्टील। सो ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि इट विल ऑल्सो फॉलो द रैली ऑफ द निफ्टी मेटल। सो निफ्टी मेटल्स के तीनों मेजर्स जब साइक्लिकल एनालिसिस के हिसाब से चलने के लिए तैयार हैं, और निफ्टी मेटल खुद भी जिस समय के ऊपर अपनी इस बेस को टच करके वापस चलने के लिए तैयार है, आई थिंक इट इज हाई टाइम कि हम मेटल्स के अंदर दोबारा से री एंट्री ले सकते हैं। आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू टू डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन एनालिसिस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कंसल्ट योर ओन रिसर्चर एनालिस्ट योर टीम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आई ऑल्सो थैंक द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग माई चैनल एंड आस्किंग मी for such details. Thank you for listening.